अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एन टीवी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, शहनशाह हफ्ते अकलीम हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का सौवा उर्स पाक पूरी दुनिया में ज़ोरों शोर से मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में दुनिया का सबसे बड़ा लंगर, अगर हम इसे कहें तो वो गलत नहीं होगा, 126 मन बकरे की बिरयानी। जी हाँ व्यूअर्स, आपने सही सुना, अभी लगातार देख लगना शुरू है। कल बाबा जान की 26वीं है। 126 मन बकरे की बिरयानी आप देख गिनते चले, बन रही है और दुनिया का सबसे बड़ा लंगर हमारी नज़र में। हमने आज तक इतना बड़ा लंगर नहीं देखा है। नागपुर की सरजमीन पर भालदारपुरे में कौन करा रहा है, कौन कमेटी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पहले आपको देख दिखा देते हैं, उसके बाद बातें करेंगे। आप लगातार गिनते चलिए, बकरे की बिरयानी 126 मन। आपने अगर कभी सुनी हो तो कमेंट्स में बताएं, और अगर नहीं सुनी हो तो भी कमेंट्स में बताएं। एक ही जगह पर देख सकते हैं आप, तैयारियां जोरों शोर से शुरू है। कुछ देगों में अंगार लग गई है, कुछ में लगना बाकी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लंगर। शेयर करते जाइए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, मैसेज अच्छा लग रहा है। देखिए जोरों शोर से काम शुरू है। कल कितने बजे तक तैयार हो जाएगा ये? हो जाएगा ना 11 बजे तक। 11 बजे तक ये लंगर तैयार हो जाएगा, और आप देख सकते हैं लगातार हम चल रहे हैं, और देगे अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी हम आपको पूरा कोने तक, शाम टाकिस चौक तक, गोलीबार चौक से शाम टाकिस चौक तक देगे लगी है। ये देखिए, एक ही कमेटी के द्वारा 126 मन बकरे की बिरयानी का एहतमाम किया गया है। देख सकते हैं आप, देखिए देखिए व्यूअर्स, कल 11 बजे से ये लंगर शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा खूबसूरत मैसेज है, वायरल कर दीजिए इसको। देखिए उधर बताया 126 मन, अच्छा 100 मन है, तो इसकी कुछ डिटेल आप बता सकते क्या? पहले 100 था, बोलते बाद में 26 मन और बढ़ाए हैं, बढ़ाए है 26 मन। हाँ, पहले 100 होने वाला था, बाद में बोले कि 100 उर्स का 100 मन और 26वीं का 26 मन, ऐसा करके 126 मन हुआ है। जी तो व्यूअर्स, अभी खत्म नहीं हुआ ये, दुकानों को, दुकानदार ये एरिया में परमिशन नहीं थी, इसलिए शायद, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, और कोई नाराजगी वाला मामला नहीं है, रोड ब्लॉक ना हो, जाम ना हो, इसीलिए भी शायद ये जगह छोड़ दी गई है। ये देखिए व्यूअर्स, ये डाला जा रहा है अभी बकरे का मटन। ये कितने बजे तक तैयार हो जाएगा? सुबह 8 बजे। 11 बजे से शुरू है ना लंगर? देख सकते हैं व्यूअर्स, लगातार यहाँ जो कमेटी के मेंबरान हैं वो खाना बनाने में लगे हैं। आप लोग शेयर कीजिए, बहुत ही जबरदस्त मैसेज है, दुनिया का सबसे बड़ा लंगर व्यूअर्स, दुनिया का सबसे बड़ा लंगर एनएनटीवी आपको दिखा रहा है। अभी तक एक भी वीडियो हमने रिपीट नहीं किया है, लगातार स्टार्टिंग से जो चल रहे हैं तो अभी आगे ही बढ़ रहे हैं। देखिए कमेटी के मेंबरान लगातार काम करने में मशगूल हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है व्यूअर्स, शेयर करते जाइए। एनएनटीवी पर आप देख रहे हैं लाइव। देखिए व्यूअर्स, ये है हजरत मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। यहाँ से गोलीबार चौक के पहले तक
देगे लगी है, ये देखिए आप, यहाँ लगातार लोग पूरा पूरा पूरे पूरे खाने का। जो आप कुछ बोलना चाहेंगे जी, आपका नाम बताइए पहले। मोहम्मद शादाब अंसारी। शादाब साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन सी कमेटी ये पूरा एहतमाम करा रही है? ये यहाँ की भालदारपुरे की शाम डेकोरेशन कमेटी है जी। यहाँ भालदारपुरे की शाम डेकोरेशन कमेटी है, वो पूरा इंतजाम की है। तो एक बात बताइए अंसारी साहब, जैसा 100 और 126 मन के बीच में जो आंकड़ा चल रहा है, हाँ, तो परफेक्ट आंकड़ा क्या है? 100 मन का है। 100 मन का जो 26 बाबा जान के 100वें उरूस के मौके पर 100 मन का इंतजाम किया गया। 100 जो 26 बढ़ने वाला था वो नहीं बढ़ा है? नहीं, ये कंफर्म है। कंफर्म आप श्योर है? श्योर है। तो देखिए व्यूअर्स, एक चीज क्लियर होगी, 100 मन। अच्छा, ये गोश्त कौन सा है, चिकन का है कि बकरे? नहीं, ये बकरे का है, मटन बकरे का। हाँ, बकरे की बिरयानी। हाँ, 100 मन, 100 मन की बनाई जा रही है। अप्रोक्सीमेट इसमें अंदाजन खर्चा कितना आया होगा? इसमें अंदाजन 30 लाख रुपए का खर्चा आया। 30 लाख रुपए से? हाँ, करीब 30 से 40 लाख रुपए। तो इसको आप खिलाएंगे या बांटेंगे, क्या सिस्टम? नहीं, यहीं पर सुबह में निहायत खिलाई जाएगी। तो बिठा के खिलाएंगे? हाँ बिल्कुल। तो मतलब ये तकरीबन 30 से 40 हजार लोगों का होगा खाना? हाँ बिल्कुल। तो कैसा खिला पाएंगे आप इतने लोगों को? यहाँ पर न्याज है, जिसकी किस्मत में होगा वो खा के जाएंगे। नहीं, खाना ज्यादा लग रहा ना, लोग कम लग रहे हैं? नहीं बिल्कुल खत्म होगा ताज वाली की। अच्छा, तो कहाँ बिठा के खिलाएंगे? बस यही रोड। अच्छा, ये परमिशन ली? हाँ, परमिशन ली गई है, राजमाने साहब ने आके यहाँ पर सब देख के गए। अच्छा। हाँ, तो ये देगे जो है यहाँ से लेके, यहाँ से लेके आगे चौक तक, चौक तक अंदर? हाँ, कहीं भी नहीं, पूरा रोड पे। अच्छा, कुछ रूमर चल रहा था कि भाई भालदारपुरे के अंदर में भी 50? नहीं, अंदर में कुछ नहीं, सब रोड पे। ये परफेक्ट जानकारी आपने दी। हाँ बिल्कुल। 100 मन बिरयानी 100 साला उर्स के मौके पर बिल्कुल बन रही है। हाँ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नारे लगा देते थे, जश्न सरकार ताजू लौलिया जिंदाबाद, 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स देख रहे हैं, यहाँ चावल से लेके पूरा इंग्रेडिएंट्स जो लगता है बिरयानी बनाने के लिए, समार, अदरक, लहसुन, इलायची, नमक, पूरा। अब हम एक छोर से आपको आखिरी छोर एक बार फिर दिखा देंगे और उसके बाद इस लाइव वीडियो को बंद कर देंगे और उसके बाद आपका काम शुरू होगा। इस वीडियो को शेयर करते जाइए और कल भी एक बार कोशिश करेंगे कि यहाँ से लाइव किया जाए खाना खिलाते वक्त का, और उसके बाद में कमेटी के मेम्बरान से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ खिदमत कर रहे हैं। ये देखिए, लगातार आप 100 मन बकरी की बिरयानी, यानी कि 30 से 40 लाख रुपए की नियाज। अगर आपने इसके पहले कहीं सुनी हो तो बताएं हमें कमेंट्स में, और अगर नहीं सुनी है तो वो भी बताएं, क्योंकि हमने अभी तक इंडिया में ऐसी कोई न्यूज़ कवर नहीं की है। इसके पहले हमने लास्ट टाइम रमज़ान महीने में एक इफ्तार कवर की थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी इफ्तार का उसको मिला था टाइटल, क्योंकि उतनी बड़ी इफ्तार भी हमने कभी नहीं देखी थी। उसके बाद आज इस तरह की न्यास पहली बार देखी जा रही है शहंशाह हफ्ते अकलीम के 100वें उर्स के मौके पर। आप देख सकते हैं, लगातार शेयर करते जाएं वीडियो को और ये देखिए यहाँ पे भी इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। कल 11 बजे सुबह नियाज बांटने का काम शुरू किया जाएगा। तो थोड़ा सा हम दिखा दें आपको, फिर उसके बाद देख दिखाएंगे। ये देखिए, लंगर है ताजुल औलिया, ये है लंगर है ताजुल औलिया, यहाँ से ऑपरेट हो रहा है ये 100 मन बिरयानी का पूरा मामला। आप देख सकते हैं अंदर चावल भी है, और हमारे दोस्त
रियाज शेख साहब इंटरव्यू ले रहे हैं कमेटी का, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू को कल कंटिन्यू किया जाए। फिलहाल वक्त है आपको देख दिखाने का, और आप देख सकते हैं ये एक छोर से दूसरे छोर हम जा रहे हैं और आखिरी छोर पर इस वीडियो को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। और इस वीडियो को शेयर करना आपका काम है, आगे आप शेयर करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है मैसेज तो मेहरबानी करके वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया, आपको लगता है ऐसा कि इस पेज को फॉलो करना चाहिए, तो आप पेज को फॉलो भी कर सकते हैं। और इसी नाम से NNTV हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए कमेटी के मेंबरान बैठे हैं, कोई आप बोलना चाहेंगे? आप बोलिए ना। आइए जी, आपका नाम बोलिए। अय्यूब खान मोहम्मद खान। अय्यूब खान साहब, ये कितना बिरयानी बन रहा है यहाँ? 100 मन बन रहा है जी। अप्रोक्सीमेट 30 से 40 लाख रुपए का खर्चा। अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा ही होंगे ना जी साहब? क्या होंगे, 50 के आसपास। 50 साल की एज में आपने नागपुर शहर में जी कभी सुना है या देखा है कि एक दिन में एक टाइम पर इतना बड़ा लंगर? जी नहीं। 50 साल की जिंदगी में आपने नहीं देखा? जी हाँ। 40 साल है जी हाँ। ऐसा बनते हैं लंगर, कुछ जगह चार मन पांच मन कुछ जगह हाँ एक दिन में बकरे की बिरयानी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी दावत आइए, आइए वेलकम इंशाल्लाह। और कोई हजरत बोलना चाहे? हाजी साहब। नहीं हमारे तमाम दर्शकों पूरे इंडिया के अंदर सभी जा रहे हैं, इनको सरकार ताजुल औलिया का इनके उर्स के 100वें उर्स के मौके पर सभी को मुबारकबाद है। और जो भी हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है ताजुद्दीन बाबा के सबके सुफल में सभी को इसका जवाब मिले। और कोई भाई बोलना चाहे? चलिए बहुत शुक्रिया। आपका नाम? हाजी मोहम्मद सादिक। हाजी मोहम्मद सादिक साहब, बोला क्या बोला? 100 मन न्यास का ख्याल आपकी कमेटी को कैसे आया? क्या वो अभी हजरत बाबा ताजुद्दीन का 100वां उर्स है, 100 उर्स के उपलक्ष में हजारों लाखों लोग आता है, तो यहाँ चौक की कमेटी को एक आपसी में बैठे थे। अब उसमें कैसा ख्याल है कि भाई कि कुछ एक अच्छा किया जाए ताकि इतने जो लाखों लोग आएंगे इनका मतलब एक समझ लीजिए कि दिन में जो पैदल घूमेंगे तो एक अपना एक न्याज नजराना भी हो जाए। तो बैठे बैठे एक 4 जन को 8 जन को जो भी अपना ध्यान आया उसके अंदर में एक हिम्मत बनी, हिम्मत में एक में एक से लोगों ने एक में को हिम्मत दी, इसके साथ कारवा जुड़ता गया कि जितने लोग बैठे हैं ये सब कमेटी के लोग है और भी लोग है, तो ऐसा मौका फिर जिंदगी में कभी आना नहीं है। और ये 100वां उर्स है, कल 26 का दिन है, यहाँ से संदल जाता है, लाखों लोग जाएगा, तो इसमें कैसा एक हमारे तरफ से एक सेवा हो जा रही और एक ऐसा जिंदगी में कैसा मौका आना भी नहीं है, एक खिदमत हो जा रही। सबसे बड़ी बात कि ये 100 मन खाना बिठाकर खिलाने वाले, बिठा के जी हाँ बिल्कुल। आपको लगता है मजमा संभाल पाऊंगा? बिल्कुल, देखिए लगता नहीं है, इसमें तुम हम और ये जितने बैठे हैं इनके अंदर एक बाबा एक अपने को शक्ति देंगे, इसमें सब कामयाबी हो जाएंगे। स्पेशल तैयारी आपने मतलब की है? हाँ प्लानिंग नहीं, शीन में खिला रहे, पीने के पानी का इंतजाम है, कैन रखे, गिलास है और बैठ के खिलाएंगे शीन में, क्योंकि तादाद ज्यादा है। आपने कितना मतलब कैन का ऑर्डर दिया? हमने क्या करे 300-300 कैन, हर समझ लो एक 50-50 फुट पे रखे है। वैसे कितनी कैन? 10 जगह है। 3000 कैन, 3000 कैनों का भी इंतजाम? जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंतजाम भरपूर है। इमरजेंसी में पानी तो वैसे भी बहुत लगेगा। अरे अगर वो पानी कम भी अगर गया तो सब घरों से पानी पिलाएंगे, ये जुनून है। और अपने तरफ से सबको ये एकता के सबको नहीं नहीं सबको और दावत दी देते। अच्छा, एक नागपुर शहर के लिए सरकार शहरवासियों को दावत पुलिस पूरी दावत दे दीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसा कि हमने देखा है, नितिन गडकरी जी सेंट्रल मिनिस्टर है और हमारे यहाँ से खासदार है,
कभी उनका ऐसा बयान नहीं आया। इस बार 100वें उर्स के लिए सभी ने सहभाग किया, सभी ने अपने बधाई दिए। आज सभी सभी एक एक ही प्लेटफॉर्म है, बाबा ताजुद्दीन ने सबको एक प्लेटफॉर्म पे लगा। और सबसे अच्छा अल्लाह का करम यह है कि आज मौसम देखो, सबसे मेन अच्छी बात बाबा का करम यह है कि आज मौसम खुला है जी। और अल्लाह करे बाबा जान कल भी मौसम खुला रहे, और ये जितना काम हो रहा है ये कामयाबी हो जाएगी। आप हमारे नागपुर के जो व्यूअर्स हैं सभी समाज के, उनके लिए कोई एक पैगाम दावत? बिल्कुल, सभी को दावत है, सभी समाज के व्यक्ति जो भी है जो ये वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, सबके लिए बिल्कुल खुला दिया। और ये बकरे की बिरयानी है, बकरे की बिरयानी है, सबके लिए खुले। और ये सरकार का तबर्रुक है, लंगर है, बकरे की बिरयानी बिल्कुल। बकरे की बिरयानी का कौन सा चिकन ना रखते हुए, बकरे की बिरयानी का कौन से पीस इसीलिए रखा, इसी वजह से रखे, लोग चिकन नहीं खाते हैं बिल्कुल, बकरे की बिरयानी खाए बिल्कुल। सरकार का लंगर ये तुम्हारी हमारी ताकत नहीं है, ये बाबा जो है ये अपने सबके तोहफे में करा रहे, तुम्हारी हमारी कोई ताकत नहीं है। चलो शुक्रिया, NNTV। तो व्यूअर्स आपने देखा कितने खुलूस और मोहब्बत से कमेटी के लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये जो न्याज है ये सभी समाज के लोगों के लिए, क्योंकि शहंशाह हफ्ते अकलीम हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या है कि हम सभी के लिए हैं। और इसी के साथ ये पहली देख भी कह सकते हैं और ये आखिरी देख भी कह सकते हैं। बने रहें NNTV के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए इस न्यूज़ को। और NNTV हमारा यूट्यूब पर चैनल है, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।